होगा तो मेरा जन्म और जीवन धन्य हो पाएगा। और भाइयों बहनों, वह संघर्ष आज रंग ला रहा है और उसी संघर्ष के लिए इस धरा को नमन करने के लिए मैं विशेष रूप से आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, दो चीजें बहुत साफ है। एक है जिसको हम कहते हैं समस्या और एक है समाधान। दो ध्रुव हैं। एक ध्रुव है जो नकारात्मक सोच के लिए जाना जाता है, वह समस्या है। और भाइयों बहनों, मैं सच कहूं तो कांग्रेस इस देश की समस्या है। आप मानते हैं ना? देखिए, देश का विभाजन कांग्रेस ने के कारण हुआ, अन्यथा पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनते। अगर कांग्रेस के नेताओं की अति सत्ता लिप्सा नहीं होती तो देश विभाजित नहीं होता, अखंड भारत होता, अखंड भारत होता। भाइयों बहनों, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में देश आजाद होते ही सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य किया था, लेकिन कांग्रेस के उस समय के नेता देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का विरोध किया था। कांग्रेस चाहती नहीं थी कि राम मंदिर का पुनरुद्धार हो, सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो। कांग्रेस समस्या देने वाली थी। लेकिन भाइयों बहनों, जैसे ही उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आज समस्या का समाधान हो गया। मैं देख रहा था, राहुल जी कल से परसों से केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए गए हैं, तो मुझे एक सुखद अनुभूति हुई कि चलिए, राहुल जी को पूर्वाभास हो गया है कि अब कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं बची है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया तय है और इसीलिए उन्होंने पहले ही केदारनाथ धाम की यात्रा का रास्ता अपना लिया है। भाइयों बहनों, केदारनाथ धाम कांग्रेस की राज्य में, जब उत्तराखंड राज्य में और केंद्र में सरकार थी तब उत्तराखंड में केदारनाथ धाम पूरी तरह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने केदारनाथ को एक भव्य स्वरूप देकर के केदारपुरी के रूप में पुनर्स्थापित कर दिया है। महाकाल का महालोक आज शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक नई अनुभूति करा रहा है। और वैसे ही अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हो या काशी में काशी विश्वनाथ धाम, एक नई अनुभूति कराता है। भाइयों बहनों, विकास की योजनाओं के बारे में अगर आप देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईएम, नए नए संस्थान बन रहे हैं और पर्यटन की दृष्टि जिस प्रकार के विकास के कार्यों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य हुआ, नई तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम हुआ। प्रहलाद जी जब केंद्र सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय देख रहे थे, उस दौरान उन्होंने देश के अंदर हर प्राचीन धार्मिक स्थलों को एक नया स्वरूप देने का बड़ा अभियान प्रारंभ किया था और कोई प्रमुख धार्मिक स्थल ऐसा नहीं था जिसके लिए उन्होंने उस समय धनराशि दे करके अपनी विरासत को सम्मानित करने का कार्य और गौरवान्वित करने का कार्य ने किया हो। भाइयों बहनों, एक लोगों के मन में एक लालसा होती है। यह कार्य 1947 में भी हो सकता था, उसके बाद बनी भी कांग्रेसियों की विभिन्न सरकारों में भी हो सकता था, उन्होंने नहीं किया। और भाइयों बहनों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात आप लेंगे, जो आज हर घर में शौचालय बन गए हैं, केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकारें लंबे समय तक कार्य की है, यह कार्य कांग्रेस भी कर सकती थी। हर घर को आवास दे सकती थी, हर गरीब को आवास दे सकती थी, हर घर में बिजली के कनेक्शन दे सकती थी, हर गरीब परिवार को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दे सकती थी, हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दे सकती थी। लेकिन कांग्रेस का कभी एजेंडा विकास नहीं था, लोक कल्याण नहीं था, एक परिवार का कल्याण था, और इससे बाहर कभी नहीं निकल पाए।
और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम सब आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया, समाधान किया, और समाधान को निकाल करके आपके बीच में लाने का कार्य अगर किसी पार्टी ने किया है वह भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वह देश की सुरक्षा का हो, देश की समृद्धि का हो, लोक कल्याण का हो, युवाओं के रोजगार का हो, चाहे वह पेयजल की समस्या का समाधान का हो, चाहे खेती की समस्या का समाधान का हो, चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के माध्यम से हर किसान को सम्मानित करने का कार्य हो, ये सभी कार्य तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम सबका एक संकल्प होना चाहिए। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की दिशा मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन दूर हो सके, केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा के चुनाव में उतार करके जनता से कहा है, आप चिंता मत करिए, आपके साथ हमारे एक एक कार्यकर्ता खड़ा होकर के जनता के साथ हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा होकर के कार्य करेगा। और भाइयों बहनों, उसी में श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी भी नरसिंहपुर से आपके प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। जनता के बीच में जो उत्साह है, मैं भी हेलीपैड से आ रहा हूं, जगह जगह पर हजारों की भीड़ खड़ी है, हजारों की भीड़ खड़ी है। ये भीड़ इस बात की साक्षी है, ये भीड़ इस बात की साक्षी है कि प्रहलाद जी को तो पहले से वे नेता मानते हैं, उनके साथ उनके संघर्षों में वे लगातार कार्य करने के लिए तैयार हैं, बस एक आह्वान की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, उसी आह्वान के लिए मैं आया हूं, क्योंकि प्रहलाद जी संचार कर रहे होंगे 22 जनवरी की, और मैं आपको आह्वान करूंगा प्रहलाद जी को इतने भारी बहुमत से विजयी बनाइए कि वो आप लोगों को लेकर के भी अयोध्या पहुंचे 22 जनवरी के बाद। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ये अपील करूंगा, यहां पर हमारे राव उदय प्रताप सिंह जी भी है, गाडरवारा से प्रत्याशी है, श्री विश्वनाथ सिंह पटेल जी भी है तेंदुखेड़ा से, इन सभी प्रत्याशियों के लिए भी, और महेंद्र नागेश जी भी हैं गोटे गांव से, ये सभी हमारे प्रत्याशी आज यहां पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील होगी, कमल चुनाव चिन्ह पर इन सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके मध्य प्रदेश की विधानसभा को और भी अच्छे तरीके से इस जनपद की दिशा, क्षेत्र की दिशा गौरवान्वित करने की अपील करता हूं। क्या आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।